हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एई का पेपर पार्ट टू। इससे पहले पार्ट में हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया था, इस पार्ट में हम लोग देखेंगे 25 टू 50 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ आप ये सोच के ना देखें कि ये सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन वही होते हैं सिर्फ और सिर्फ। इवन मैं तो कहता हूँ कि क्वेश्चन की वैल्यूज भी सेम होती है और ऑप्शंस भी सेम ही होते हैं। कुछ ऐसा होता है कि कई बार कि आपको वैल्यू चेंज कर दे या कंसेप्ट आपको थोड़ा सा चेंज करके दे देता है या ऑप्शन चेंज कर देता है, तो उनको कैसे टैकल है वो हम सब कुछ साथ में डिस्कस करते हैं। फ़ायदा क्या होगा इस वीडियो को देखने का कि आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको सब कुछ बिना आपके मेहनत के ये भी बता दूंगा कि और एग्जामिनेशन में और दूसरे एग्जामिनेशन में और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, जो कि जो एक नया जो प्रिपेयर करता है जो नया बच्चा, उसको ये चीज़ समझने में बहुत समय लग जाता है। वो मैं बस यही प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उससे रिलेटेड या उस टॉपिक से रिलेटेड और जो दूसरे एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं तो किस तरह से घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 26th क्वेश्चन, एडिशन ऑफ पोजोलोना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी सीमेंट में अगर हम पोजोलोना ऐड करें, पोजोलोना कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, सिलिका फ्यूम हो गया, ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हो गया, मेटाकियोलिन हो गया, कैल्साइन क्ले हो गया, ये सब क्या है, पोजोलोना से। ठीक है, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं, पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट। ठीक है, तो पोजोलोना के ऐड करने की वजह से क्या चेंज होता है, आप देखिए ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है कई बार। इसकी वजह से क्या होता है, श्रिंकेज बढ़ जाता है, हायर श्रिंकेज हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपीसी। बट इसकी वजह से बेनिफिट क्या क्या होते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। अगर पूछे कि स्ट्रेंथ में क्या होता है, तो अर्ली स्ट्रेंथ कम हो जाता है बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम रहता है और इवन हायर भी देखा गया कई बार। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो हायर और इक्वल रहता ही रहता है, बट अर्ली स्ट्रेंथ लो होता है क्योंकि रिएक्शन रिटार्ड हो जाती है। दूसरा, वर्केबिलिटी इंक्रीज होता है। तीसरा, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होता है। तो अगर इंक्रीज पूछता है तो वर्केबिलिटी ड्यूरेबिलिटी ये सब इंक्रीज होता है। और अगर मतलब जो पूछता है कि क्या दूसरी चीज़ की क्या डिमेरिट होता है, तो श्रिंकेज इंक्रीज हो जाता है। श्रिंकेज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि जो पोजोलोनास हैं वो काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं, तो वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो उनकी वजह से श्रिंकेज ज़्यादा होता है, फाइनर पार्टिकल होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस। स्ट्रेंथ का फाइननेस के साथ क्या रिलेशन है, हम जानते हैं कि फाइनर द सीमेंट हायर द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा फाइन होगा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा। और जो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए हाइड्रेशन होता है, सीमेंट की हाइड्रेशन वो सरफेस पे ही होता है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन। उससे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ रेट में, स्ट्रेंथ गेन रेट में फ़र्क पड़ता है, टोटल स्ट्रेंथ में रेट फर्क नहीं पड़ता, याद रखना स्ट्रेंथ गेन रेट में फ़र्क पड़ता है सिर्फ। जो चीज़ें 10 दिन में अचीव होने वाली थी वो 4 दिन में अचीव हो गई, और उसमें फ़र्क पड़ेगा, बट जितनी अचीव होनी थी अचीव वो उतना ही होगा, चाहे वो 10 दिन में हो चाहे 3 दिन में हो। तो टोटल स्ट्रेंथ विल ऑलवेज रिमेन सेम, रेदर आपको जो फाइननेस की वजह से बेनिफिट मिलता है वो क्या है, अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाइनर द सीमेंट हायर द रेट डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर हम बात करें ओपीसी की, तो उसकी स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि ओपीसी का सरफेस एरिया कितना है और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का कितना है, 325 मीटर स्क्वायर पर केजी ब्लेंस एयर परमिबिलिटी टेस्ट में, ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली रिलेटेड टू रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्वेश्चन, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की अगर हम बात करें तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है, जल्दी हार्ड मतलब जल्दी सेट होता है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन करता है बट टोटल स्ट्रेंथ अगेन सेम रहता है। तो ये कैसे अचीव करते हैं, हम C3S का ट्राई कैल्सियम सिलिकेट का अमाउंट ज़्यादा रखते हैं, C2S का कम रखते हैं। तो C3S क्या है, अर्ली स्ट्रेंथ को गेन करता है। हमने इसकी सरफेस एरिया डिस्कस कर लिया, 325 मीटर स्क्वायर पर केजी होता है, और इसके लिए IS कोड है IS 8041। तो कई बार IS कोड का नंबर भी पूछ लेते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए, IS 8041। आपको इसमें सारा स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा, इसकी फाइननेस 10%, ये रेजिडुअल के फॉर्म में, जो आई सीव से सीव करते हैं तो रेजिडुअल फाइन 10% नहीं बल्कि ये 5% होना चाहिए। ओपीसी के अंदर 10% होता है
बट पीपीसी हो चाहे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो, इन सभी के अंदर 5% होता है। ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स राइट है, चाहे ओपीसी का हो चाहे रैपिड हार्डनिंग का। फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स भी होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स ही होता है। तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लेशिंग बार विद द एक्सिस ऑफ कंप्रेसिव मेंबर शुड बी मोर देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेसिंग से यही सब क्वेश्चन आते हैं। लेसिंग की विड्थ से क्वेश्चन आएगा, लेसिंग की थिकनेस से क्वेश्चन आएगा, लेसिंग की जो एंगल है उससे क्वेश्चन आता है। यही सब क्वेश्चन जनरली लेसिंग और बैटन से पूछे जाते हैं। लेसिंग की स्लेंडरनेस रेशियो, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो से क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है, सिंपली आईएस कोड में जाओ और आईएस कोड में क्लॉज नंबर गिवन है 7.6, उसमें आपको सारा का सारा क्लॉज मिल जाएगा। फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं लेसिंग के सारे डेटा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेसिंग की अगर बात कर रहे हैं तो 5% इसकी इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो इंक्रीज हो जाती है। दूसरे टर्म में अगर पूछे तो ऐसे बोल सकते हो कि इफेक्टिव लेंथ 5% इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सीयर लैग इफेक्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता है, सीयर डिफॉर्मेशन को कंसीडर करना पड़ता है। इसके लिए 5% हम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं, या फिर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है दूसरे टर्म में। तो पूछता है कि स्लेंडरनेस रेशियो या फिर इफेक्टिव लेंथ कितना बढ़ जाता है लेसिंग लेस्ट कॉलम में, 5%। दूसरा क्या पूछते हैं, मिनिमम विड्थ। मिनिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ का फॉर्मूला क्या है, 3 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बोल्ट और जो हम रिबेट लगाने वाले हैं उसको वेल्डिंग करने के लिए। तो ये हो गया विड्थ का फॉर्मूला। थिकनेस के लिए क्या होता है, मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, क्योंकि ये लेसिंग क्या होता है, फ्लैट प्लेट होता है, आईएसपीएल सेक्शन होता है। तो इसमें थिकनेस का फॉर्मूला क्या है, 1/40। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जामिनेशन में और आया हुआ है, 1/40 ऑफ एलई एंड 1/60 ऑफ इफेक्टिव लेंथ। ये हो गया डबल लेसिंग के लिए और ये हो गया सिंगल लेसिंग के लिए। तो मिनिमम विड्थ के लिए होगा 3/5, थिकनेस मिनिमम थिकनेस के लिए हो गया 1/40 ऑफ इफेक्टिव लेंथ, 1/60 ऑफ इफेक्टिव लेंथ, सिंगल लेशिंग, डबल लेशिंग के लिए। तीसरा क्या आता है कि कितने सीयर फोर्स के लिए इसको डिजाइन करते हैं। तो आप याद रखिए लेसिंग हो चाहे बैटन हो, दोनों को ही हम डिजाइन करते हैं 2.5% ऑफ एक्सियल लोड, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड फाइंड करके उसको हम सीयर सीयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसके लिए हम लेसिंग और बैटन को डिजाइन करते हैं। और लास्ट हो गया एंगल। तो एंगल के लिए क्लॉज में इसी क्लॉज में गिवन है 7.6 क्लॉज में, आईएस 800/2007 में, और एंगल की वैल्यू कितनी है, 40/70। एंगल शुड नॉट बी लेस देन 40 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 70। सो एंगल शुड बी इन बिटवीन 40 एंड 70। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इट शुड नॉट बी मोर देन 70। शुड नॉट बी लेस देन होता तो 40 होता, शुड नॉट बी मोर, शुड बी ओके, शुड बी मोर देन पूछा है, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेंबर शुड बी मोर देन, तो मोर देन 40 डिग्री, ठीक है। शुड नॉट नहीं पूछा है, ये देखिए ये कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन में, यहाँ पूछा है शुड बी मोर देन, तो मोर देन 40 डिग्री, लेस देन 70 डिग्री। शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री, शुड नॉट बी मोर देन 70 डिग्री, ठीक है। तो शुड नॉट बी और शुड बी जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से हम आंसर को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का यील्ड लोकस, आपको जो फेलियर थ्योरी है उसमें सभी का नाम भी याद रखना है और उसके फेलियर इन डेवलप या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा शेप बनता है वो भी याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेलियर थ्योरी से सिर्फ नाम पूछते हैं और या फिर शेप पूछते हैं ग्राफिकल। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फटाफट क्विक में एक बार हम सभी फेलियर थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, इसको किसने दिया था, रैंकाइन ने, इसको बोलते हैं रैंकाइन थियरी। मैक्स प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी ये होता है ब्रिटल मटेरियल के लिए और ये मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड फॉर ब्रिटल मटेरियल, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट है ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जो कि रैंकाइन द्वारा दिया गया है। और इसकी जो शेप होती है ग्राफिकल शेप वो होती है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। दूसरी होती है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इसको किसने दिया था, इसको दिया था सेंट विनेंट ने, सेंट विनेंट ने दिया था, ठीक है। फेलियर थ्योरी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किसने दिया, वो किसके लिए एप्लीकेबल है और उसका ग्राफिकल शेप कैसा है, बस इसके अलावा और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये किसके लिए भी, ये भी है ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है और इसका जो शेप होता है वो होता है रोमबस, इसका शेप कैसा है, रोमबस शेप का, ठीक है। तीसरा आते हैं थर्ड पे, थर्ड है मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किसने दिया था, ट्रेस्का ने, गेस्ट ने,
एंड कोलम्स ने, तीनों ने मिलकर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके लिए है? डक्टाइल के लिए, और मोस्ट कंजर्वेटिव है। मोस्ट कंजर्वेटिव क्वेश्चन पूछते हैं कि मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड फॉर डक्टाइल मटेरियल इज, तो मैक्सिमम सी ऑप्शन है, गिवन बाय ट्रेस्का, गेस्ट एंड कोलम्स। और इसका शेप कैसा होता है? हेक्सागोन। कैसा होता है? हेक्सागोन। क्वेश्चन में यही पूछा है कैसा शेप होता है ट्रेस्का, जो जिसने थ्योरी दी थी, तो हेक्सागोन। रेक्टेंगल समझ गए हम लोग किसमें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में, हेक्सागोन किसमें, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में, जो कि ट्रेस्का, गेस्ट एंड कोलम्ब ने दिया था। और दो मेथड और हैं, दो मेथड और कौन कौन से हैं, एक तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो कि हेग ने दिया था, HEIGF हेग ने दिया था, और दूसरा है शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, शियर स्ट्रेन या फिर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी भी बोलते हैं, इसको दिया था वॉन मिश ने। ये दोनों ही डक्टाइल के लिए है, ये दोनों भी डक्टाइल के लिए है, और इन दोनों का जो शेप होता है वो होता है इलिप्स, ठीक है, इलिप्स। तो याद रखिए अब इस क्वेश्चन में, अब आपको क्या क्या याद रखना है, नाम किसने दिया है और उसके ग्राफिकल शेप कौन सा है। तो रेक्टेंगल किसके लिए हो गया, मैं एक बार रिवाइज करवाया, तो रेक्टेंगल किसके लिए हो गया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए, जिसने किसने दिया था, रैंकाइन ने। हेक्सागोन किसके लिए हो गया, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, जिसको दिया था कुलम, गेस्ट एंड ट्रेस्का ने, और इसका जो शेप है वो हेक्सागोन है। तीसरा इलिप्स, इलिप्स किसमें बनता है, इन दोनों में, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और दूसरा डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दोनों में शेप बनता है ऐसा इलिप्स का, और ये दोनों डक्टाइल के लिए एप्लीकेबल है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो है वो मोस्ट कंजर्वेटिव है, किसके लिए, डक्टाइल के लिए, और मोस्ट एप्रोप्रिएट ब्रिटल के लिए कौन सा है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। बस फेलियर थ्योरी से इतना ही क्वेश्चन आता है, चाहे किसी भी एग्जाम का पेपर उठा कर देख लो, इसके अलावा फेलियर थ्योरी में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप गेट वगैरह के एग्जाम दोगे तो उसमें हो सकता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए, तो बस वही फर्क होता है, बाकी किसी भी एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरी में सिर्फ यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, चाहे आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोड फैक्टर इन प्लास्टिक डिजाइन। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर हम जानते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है, कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड, इन दोनों के रेशियो क्या कहते हैं, लोड फैक्टर। दूसरा लोड फैक्टर इज इक्वल टू, एक और होता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी टाइम्स सेफ फैक्टर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोड फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी में क्या रिलेशन है, तो लोड फैक्टर डिवाइड फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके बराबर होता है, सेफ, ये सेफ फैक्टर के बराबर होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्लास्टिक डिजाइन में किसकी किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ द अबव, नेचर ऑफ द लोडिंग पे भी, क्योंकि यहाँ पे लोडिंग आ गया, सपोर्ट कंडीशन एंड कंडीशन पे भी, और ज्योमेट्रिकल शेप पे, क्योंकि यहाँ पे शेप फैक्टर आ गया, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फॉर इलास्टिक डिजाइन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मूवमेंट इन कंटिन्यूअस बीम इज लिमिटेड टू, देखिए प्लास्टिक डिजाइन हो तो 100% है, प्लास्टिक डिजाइन में 100% मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर इलास्टिक डिजाइन की बात करें तो IS 456 हमारा इसके लिए क्या स्पेसिफाई करता है, मैं आपको क्लॉज नंबर भी बताता हूँ। देखिए IS 456 का क्लॉज नंबर है, क्लॉज नंबर 37.1.1, इसमें आपको क्लियरली एक क्लॉज मेंशन है कि अगर आप कंटिन्यूस बीम कंसीडर कर रहे हो तो मैक्सिमम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट जो लेना है वो 30% लेना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना 30%, तो मैक्सिमम 30% इन इलास्टिक डिजाइन, ठीक है, प्लास्टिक में 100%। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर स्टील कॉलम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, इट इज ट्यूबुलर सेक्शन। ट्यूबुलर सेक्शन मीन्स अंदर से हॉलो हो, इससे क्या होता है, जेड की वैल्यू इंक्रीज होती है, सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन आउटर प्लेट पे है, आउटर एरिया पे है, इसकी वजह से जेड इंक्रीज होता है, जेड इंक्रीज की वजह से बकलिंग स्ट्रेंथ बढ़ता है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी पूछा है, रिजिड वैकेंट प्लेन फ्रेम के लिए मेंबर 15 है, रिएक्शन 3 है और जॉइंट 14 है। सिंपल है फॉर्मूला, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, 3m प्लस r माइनस 3j, ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ द मेंबर प्लस रिएक्शन माइनस 3 टाइम्स ऑफ जॉइंट, ये आएगा 6 के बराबर। नेक्स्ट है इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कह रहे कि एक कोई जॉइंट है इसमें कई सारे मेंबर है, M1, M2, M3, तो यहाँ पे अगर मान लो 100 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई करेंगे तो सब पे कुछ कुछ ट्रांसफर होगा डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट, हिंज है, रोलर है, किस तरह का सपोर्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि लोड ट्रांसफर होगा, लेकिन अल्टीमेटली सभी को अगर हम सम करेंगे तो 1 के बराबर ही आएगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कि टोटल में से किसको कितना जा रहा है उसको बोलते हैं फैक्टर, तो 0.7 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, इस तरह से इन सबको क्या बोलते हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, सबको ऐड करेंगे तो वन के बराबर ही होगा, ये हमेशा ही वन के बराबर होता है, ये कभी भी डेविएट नहीं होता अपनी वैल्यू से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड ऑफ प्रिज्मेटिक बीम थ्रू आउट द यूनिट एंगल विदाउट रोटेशन द फार एंड इज बींग सिंपली सपोर्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फार एंड हिंज हो मतलब सिंपली सपोर्टेड हो तो 3EI/L, और फार एंड अगर यहीं पे सिंपली सपोर्टेड की जगह अगर फिक्स दे देता तो 4EI/L हो जाता। ठीक है, अगर फार एंड फिक्स है तो रिजिडिटी जो है 4EI/L है, और अगर फार एंड हिंज है तो 3EI/L है। नेक्स्ट है थ्री मोमेंट इक्वेशन। थ्री मोमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या कहता है कि कोई कंटिन्यूअस बीम है, कंटिन्यूअस बीम है, और अगर मुझे यहाँ पे कोई एम है, ए है, एम बी है और एम सी है, तो इन तीनों को रिलेट करके हम इजीली एक दूसरे में कोरिलेशन फाइंड करके एम ए, एम बी और एम बी फाइंड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, कि तीन मोमेंट को हम रिलेट करके तीनों मोमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यही है थ्री मोमेंट इक्वेशन। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, मोमेंट की वैल्यू अगर कोई हिंज आ जाए सपोर्ट में, देयर इज हिंज विद इन द स्पैन, अगर कोई प्लास्टिक हिंज यहाँ पे जनरेट हो जाए या फिर हिंज आ जाए इंटरनल हिंज, तो क्या होगा, यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मोमेंट पे ही बेस्ड है कि हम ये मान के ही चल रहे कि यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट है और यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट। अगर बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम यहाँ पे जीरो हो रही है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। थ्री मोमेंट थियरम डिसकंटिन्यूअस के टाइम पे, चाहे वो लिंक हो, चाहे इंटरनल हिंज हो, चाहे कुछ भी हो, उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है म्यूलर ब्रेशलॉ प्रिंसिपल। ये किसके लिए होता है? आईएलडी ड्रॉ करने के लिए, चाहे इंडिटर्मिनेट का हो चाहे डिटर्मिनेट का हो, और सभी स्ट्रेस फंक्शन के लिए। दैट मींस कि रिएक्शन के लिए भी, शियर फोर्स के लिए भी, और बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, सभी के लिए यूजफुल है। आप किसी का भी फाइंड कर सकते हो, डिटर्मिनेट का भी और इंडिटर्मिनेट का भी। डिटरमाइन द शेप ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन राइट, इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू बी लोडेड, ऑब्टेन मैक्सिमम इफेक्ट। बिल्कुल, कि कौन से इफेक्ट आपको पार्ट में लोडिंग करनी है ताकि मैक्सिमम इफेक्ट दिख सके, मतलब मैक्सिमम आईएलडी जनरेट हो सके, ये भी देता है। बिल्कुल, कैलकुलेट द ऑर्डिनेट ऑफ द इन्फ्लुएंस लाइन। एब्सोल्युटली राइट, इसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा वन के बराबर होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैंने इसके लिए आईएलडी के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो जा सकते हैं, आईएलडी का वीडियो देख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, आईएलडी किस तरह के होते हैं, न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं, मैंने पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ एग्जाम्पल भी सॉल्व करवा रखा है। आप लोग जाइए और आईएलडी का क्वेश्चन देखिए, वीडियो देखिए, मैंने तीन पार्ट का वीडियो बना रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए स्टेबल स्ट्रक्चर्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लेक्सिबल एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अगर स्टेबल स्ट्रक्चर है तो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स और स्टिफनेस मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होगी। एलिमेंट्स ऑन मेन डायगोनल, मेन मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ पे और यहाँ पे, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, मस्ट बी पॉजिटिव, ऑलवेज मस्ट बी पॉजिटिव ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, मस्ट बी पॉजिटिव ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मैट्रिक्स एक्सेप्ट करता है, तो ये हो जाएगा वन एंड थ्री, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में फ्लेक्सर में मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, तो ये क्लियरली मैंसनड है एज 4, 5, 6 में, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 0.0035। अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम पूछता है तो यहाँ से पैराबोलिक और यहाँ से फिर स्ट्रेन, तो ये पैराबोलिक पोर्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0.002 स्ट्रेन तक, और ये फेलियर कहाँ पे होता है, यही वैल्यू होती है 0.0035 तक। तो ये है लिमिट स्टेट मेथड का कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, दिस इज स्ट्रेन और दिस इज स्ट्रेस, तो 0.0035। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एट एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इज 0.0035। नेक्स्ट इन आरसीसी बीम कंप्रेशन फेलियर, तो ये ब्रिटल फेलियर कब होता है, जब सेक्शन ओवर इन्फोर्स हो, अंडर इन्फोर्स होता है तो क्या फेलियर होता है, डक्टाइल फेलियर, मतलब इसमें स्टील येल्डिंग की वजह से फेल होता है। तो सडन कोलैप्स नहीं होता, धीरे धीरे कोलैप्स होता है, ओवर इन्फोर्स्ड में सडन कोलैप्स होता है। तो चाहे आपसे कंप्रेशन फेलियर बोले, सडन कोलैप्स बोले, सब में आंसर ओवर इन्फोर्स्ड ही आएगा। डक्टाइल फेलियर बोले या ग्रेजुअल फेलियर बोले, वो सब में अंडर इन्फोर्स्ड ही आएगा। बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, कॉन्क्रीट और स्टील दोनों साथ में फेल होंगे, तो ये भी ब्रिटल ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इन ए टू वे स्पैनिंग स्लैब, टू वे स्लैब है, इफ कॉर्नर्स ऑफ द स्लैब आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट, लिफ्टिंग के लिए अलाउड नहीं है, मतलब टॉर्सन एनफोर्समेंट हमने प्रोवाइड किया है, टॉर्सन एनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉर्सन एनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं। देखिए टॉर्सन एनफोर्समेंट के लिए आपको एनेक्स्चर डी में जाना है एज 4, 5, 6 के 1.8 में, एनेक्स्चर डी 1.8, 4, 5, 6 में क्लियरली मेंशन है कि टॉर्सन एनफोर्समेंट हम मेशिंग के फॉर्म में प्रोवाइड करेंगे, ऐसे हम नेट की तरह प्रोवाइड करेंगे टॉप में भी और बॉटम में भी, जहाँ पे भी
एज इट इज कंटिन्यू हो रहे हैं, कितना प्रोवाइड करेंगे, 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन, ये क्लियरली लिखा हुआ है शॉर्टर स्पैन 1/5, सॉरी इसकी जो AST होगी वो, इसकी जो AST होगी वो होगी 3/3/4 ऑफ AST एट मिड, ठीक है, ये AST की वैल्यू होगी कि कितना स्टील होगा, तो स्टील की जो एरिया होगी वो होगी 3/4 ऑफ द AST एट मिड, तो मिड स्पैन पे जितना भी AST प्रोवाइड किया उसका 3/4, और इसकी जो लेंथ होगी मतलब एज से कितना लेंथ तक प्रोवाइड करना है, तो 1/5 ऑफ शॉर्टर स्पैन, तो 1/5 का मीन्स 0.2 ऑफ शॉर्टर स्पैन, तो LX LY दोनों अलग अलग है, ऐसा नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ शॉर्टर स्पैन ही होगा, तो 0.2 LX × 0.2 LX, ठीक है, तो ये LX डायरेक्शन में भी और Y डायरेक्शन में Y का नहीं होगा, यहाँ पे भी LX ही होता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन RCC स्लैब हैविंग इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 100 mm, स्लैब की डेप्थ है 100 mm, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, तो स्लैब के लिए क्या है मैक्सिमम स्पेसिंग का फॉर्मूला, मेन बार का, तो ये है 3D और 300 mm, विच एवर इज लेस, तो 3 × D डेप्थ कितना है 100, तो ये हो गया 300 और मैक्सिमम भी अलाउड है 300, तो 300 इज द राइट आंसर। मान लो अगर ये 100 की जगह 150 होता तो ये हो जाता 450, ये हो जाता 450, तो उस केस में भी हम मैक्सिमम से एक्सीड नहीं कर सकते थे, मतलब ये 300 ही मैक्सिमम अलाउड है, तो 300 ही ऑप्शन होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम किसी भी कंडीशन में स्पेसिंग 300 ही हो सकती है। फोर्थ, इन अ स्टील रूफ ट्रस इफ एंगल आयरन पर्लिन इज यूज्ड, स्टील का रूफ ट्रस है और एंगल सेक्शन है IS, ए सेक्शन है, इट्स डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड आया हुआ है क्वेश्चन, आपको मैं बताता हूँ, स्टील रूफ ट्रस हो तो, और सिंगल एंगल अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेप्थ और विड्थ के साथ क्या रिलेशन होता है, किस तरह से हम उसको फाइंड करते हैं, तो IS कोड क्या कहता है कि अगर पिच्ड रूफ है जिसका थीटा की वैल्यू लेस देन 30 degree है, तो उस केस में जो पर्लिन यूज करेंगे, तो पर्लिन के हम डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, डेप्थ शुड नॉट बी लेस देन 1/45 ऑफ स्पैन ऑफ द पर्लिन, ठीक है, तो डेप्थ हम ऐसे फाइंड करेंगे। दूसरा क्लॉज है विड्थ के लिए, बी के लिए, विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 1/60 ऑफ लेंथ, ठीक है, और तीसरा है कि मोमेंट मैक्सिमम कैसे फाइंड करेंगे, WL/Tens, इन तीन से ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जामिनेशन, पहला डेप्थ के लिए है, दूसरा विड्थ के लिए है, तीसरा बेंडिंग मोमेंट के लिए है, तो डेप्थ के लिए 1/50 इससे कम नहीं होना चाहिए, और विड्थ के लिए 1/60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट WL/10 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं क्या पूछा है कि डेप्थ पूछा है, तो डेप्थ पूछा है तो 1/45, और यहाँ पे याद रखना स्पेसिंग ऑफ द पर्लिन है, 1/50 तो यहाँ पे भी है 45th, लेकिन यहाँ पे स्पेसिंग है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्पैन ऑफ द पर्लिन, तो ऑप्शन बी, अगर यहीं पे विड्थ होता तो 1/60 ऑफ द स्पैन ऑफ पर्लिन, और अगर बेंडिंग मोमेंट होता तो WL/10, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ, आपको ये तीनों याद रखना है, बस हो गया, इससे और कुछ नहीं आता। नेक्स्ट है लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ स्टील बीम इंक्रीजेस, लेटरल स्टेबिलिटी क्या होता है, जनरली RCC जो बीम होता है, अगर RCC बीम की जो फेलियर हम अगर देखते हैं तो वो नीचे वाई प्लेन पे फेल होता है, ऐसे फेल होता है, लेकिन स्टील का बीम कभी भी वाई प्लेन पे फेल नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसमें कंप्रेशन में पहले फेल हो जाता है टेंशन से, तो कंप्रेशन जो जोन है, मान लेते हैं अगर ये हमारा बीम है, तो जो कंप्रेशन जोन है वो बकलिंग पहले हो जाती है उसमें टेंशन फेलियर से पहले, इसलिए नीचे की तरफ कभी भी फेल नहीं होता, ये साइड में अगर हम टॉप व्यू की बात करें, अगर बीम हमारा ऐसे था तो वो ऐसे बकल हो जाएगा लेटरल डायरेक्शन में, मतलब प्लेन कौन सा हुआ एक्स प्लेन, तो एक्स प्लेन में फेल होता है, तो स्टील बीम की फेलियर अलग होती है RCC बीम से, तो कह रहा है कि लेटरली लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ स्टील बीम इंक्रीजेस, तो अगर हम लेटरल को यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम सपोर्ट कर देते हैं कि लेटरली मूव ना करें, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इससे क्या बढ़ता है वही पूछा है इसमें, बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बीम, बेंडिंग टेंसाइल नहीं, टेंसाइल तो ऑलरेडी हाई होता है, कंप्रेसिव की वजह से जो बकलिंग होती है उसको रेसिस्ट करता है, ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन पर्लिन ऑन स्लोपिंग रूफ डिपेंड्स ऑन, तो डिस्टेंस बिटवीन पर्लिन जो होता है कि दो पर्लिन, पर्लिन क्या होता है, देखिए ये है राफ्टर और इसके बीच में जो स्पैन होता है इस तरह से, इसको बोलते हैं पर्लिन, ठीक है, दिस इज व्हाट पर्लिन इज, तो पर्लिन की को हम बीम की तरह डिजाइन करते हैं, तो कह रहे हैं कि इसके बीच में जो स्पेसिंग होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है
कि रूफ कवरिंग में हमने कौन सा मटेरियल यूज किया है, ठीक है, टाइप ऑफ रूफ कवरिंग एंड टाइप ऑफ रूफ कवरिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रट डिपेंड्स ऑन, स्ट्रट मीन्स कॉलम मेंबर। कॉलम कब बोलते हैं कि जब वो वर्टिकल हो जाए, वो स्ट्रट जो वर्टिकल हो कॉलम कहलाता है, अदरवाइज स्ट्रट कहलाता है। तो स्ट्रट जनरली हम ट्रस में बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द स्ट्रट। हायर द स्लेंडरनेस रेशियो लेस विल बी द स्ट्रेंथ, लेस द स्लेंडरनेस रेशियो हायर विल बी द स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है व्हेन पर्लिंस आर प्लेस्ड बिटवीन पैनल पॉइंट, पर्लिन को हम अगर पैनल पॉइंट के बीच में डाल रहे हैं पॉइंट्स, द प्रिंसिपल राफ्टर इज टू बी डिजाइंड। तो अगर पैनल पॉइंट के बीच में अगर पर्लिन रखा गया है तो प्रिंसिपल राफ्टर किस तरह से डिजाइन होगा, तो इसमें होगा एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट, एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट है इफ डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार इज डी, डाया कितना है बार का, डी है द एंकरेज वैल्यू। तो ये डायरेक्टली आपको आईएस कोड मिल जाएगा IS-456 में, मैं क्लॉज नंबर बता देता हूँ। आईएस कोड का क्लॉज नंबर है 26.2.2.1। क्या कहता है कि एंकरेज वैल्यू क्या होता है कि जो प्लेन बार पहले हुआ करता था उसमें एंकरेज होता नहीं था, दोनों के बीच में मतलब कॉन्क्रीट और स्टील के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती थी, तो उस समय हम हुक यूज करते थे उस बॉन्ड को या एंकरेज वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो IS-456 क्या कहता है कि अगर यू टाइप का हुक हो, यू मतलब अगर हम इस तरह का हुक यूज कर रहे हैं तो यू टाइप का हुक है, तो इस हुक के लिए जो एंकरेज वैल्यू होती है वो डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया कि 16.5 के बराबर होता है, ठीक है, 16.5 के बराबर मतलब 16 टाइम द डाया ऑफ द बार। और बेंड पे अगर मान लो कहीं पे बेंड है, ऐसे बेंड हो रहा है, तो पर 45 डिग्री बेंड के लिए, ईच 45 डिग्री बेंड के लिए उन्होंने 4.5 एंकरेज वैल्यू बोला है कि उन्होंने आप यूज कर सकते हो सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16.5, ठीक है। तो अगर बेंड है तो फॉर ईच 45 डिग्री बेंड 4 टाइम्स ऑफ द डाया ऑफ द बार इज कंसिडर्ड टू बी एज एंकरेज वैल्यू सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम 16.5। मतलब कि अगर मान लो 90 डिग्री है तो 8.5 लेंगे, ठीक है, 180 डिग्री हो जाए तो हम कितना लेंगे 16.5, ठीक है, अगर 180 डिग्री हो गया तो। बट इससे ज्यादा भी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं एंगल को तब भी हम 16.5 से ऊपर नहीं आ सकते, तो मैक्सिमम 16.5 जनरेट हो सकता है और हर एक 45 डिग्री के लिए हम 4.5 ऐड करेंगे। और यू टाइप के हुक हो अगर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हुक के लिए पूछा है, तो हुक के लिए 16.5 फिक्स वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन, वेब क्रिपलिंग जनरली अकर्स एट द पॉइंट, वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग दो होते हैं, वेब बकल और क्रिपल दोनों का क्वेश्चन आया, तो दोनों में आंसर सेम ही है। कहाँ पे होता है, कंसंट्रेटेड लोड या फिर पॉइंट लोड के नीचे, लेकिन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेब बकलिंग क्या होता है, मान लीजिए ये आई सेक्शन है, ये आई सेक्शन, बकलिंग में क्या होता है कि ये पूरा का पूरा सेक्शन ऐसे बकल हो जाएगा, मतलब वेव ऐसे बकल हो जाएगा ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट लोड और लेस स्ट्रेंथ ऑफ वेव, ठीक है, इन सीयर। तो ये हो गया बकलिंग। और क्रिपलिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर का कुछ पोर्शन या फिर नीचे का कुछ पोर्शन सिर्फ एक पॉइंट लोकेशन पे बकल हो जाता है, इसको बोलते हैं क्रिपलिंग। दिस इज क्रिपलिंग एंड दिस इज बकलिंग, ठीक है, ये दोनों में प्राइमरी डिफरेंस है। दोनों का कारण क्या है, कंसंट्रेटेड लोड, क्या है कारण है, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो, सो वी हैव कंप्लीटेड 50 क्वेश्चंस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।